हेलो एवरीवन, आई एम पिनल गरासिया फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। आज हम इंग्लिश ग्रामर में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 15, दीज आर एंड दोज आर। स्टूडेंट्स, दीज आर एंड दोज आर हम कैसे यूज करेंगे? दीज आर हम यूज करेंगे नज़दीक की एक से ज़्यादा वस्तु हो, कुछ चीज़ें हो, कोई व्यक्ति हो, उन लोगों को दिखाने के लिए, उनकी ओर पॉइंटिंग करने के लिए हम यूज़ करेंगे दीज आर। और हमसे जो चीज़ें दूर हो, कोई व्यक्ति हमसे बहुत दूर हो लेकिन एक से ज़्यादा हो, तो उस सब चीज़ों के लिए हम यूज़ करेंगे दोज आर। जैसे कि यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया गया है, तो पिक्चर में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो आपको यहाँ पे दूर एक पेड़ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एक ही है ना? लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग खेल रहे हैं, तो हम क्या, दोज बॉयज आर प्लेइंग। दूर है ना, तो इसीलिए दूर की चीजों के लिए हम यूज करेंगे दोज, और नजदीकी चीजों के लिए दीज। यहाँ पे ये दो लड़के हैं, नजदीक है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे दीज आर बॉयज स्टैंडिंग नियर द ग्राउंड। ठीक है, तो आपको पता चला होगा कि दोज कहाँ पे यूज़ करना है और दीज कहाँ पे। दीज यूज़ करेंगे दूर की चीज़ों के, सॉरी नज़दीकी चीज़ों के लिए, दोज यूज़ करेंगे दूर की चीज़ों के लिए, लेकिन एक से ज़्यादा हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपको एक लड़की दिखाई दे रही है, लड़की के पास है बर्ड्स, तो लड़की के एकदम नज़दीक है, थोड़े नज़दीक है, और वो बर्ड्स कितने हैं? 3 बर्ड्स। तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? दीज आर बर्ड्स। इसी तरह नेक्स्ट पिक्चर में आपको एक लड़की बर्ड्स की ओर पॉइंटिंग करती हुई दिखाई दे रही है, उस लड़की से बर्ड्स कितने दूर है ना? तो इसीलिए यहाँ पे सेंटेंस बनेगा दोज आर बर्ड्स। नेक्स्ट पिक्चर में एक लड़की हमें उस होमवर्क करती दिखाई दे रही है, तो उसके टेबल पे बहुत सारी पेंसिल्स है, तो वो हमें बता रही है दीज आर पेंसिल्स। क्यों? क्योंकि उसके नज़दीक है पेंसिल, है ना? फिर नेक्स्ट पिक्चर में आपको एक लड़का स्टार्स दिखाई दे रहा है, दिखाते हुए दिखाई दे रहा है ना? तो स्टार्स तो हमसे बहुत दूर है और उस लड़के से भी बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि स्काई में होते हैं स्टार्स, है ना? तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? दोज आर स्टार्स, है ना? नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? बहुत सारी काइट्स दिखाई दे रही है ना? तो काइट्स उन लोगों से दूर है, फ्लाई कर रही है स्काई में, इसीलिए सेंटेंस बनेगा दोज आर काइट्स। फिर पेज नंबर 84 पे आपको पिक्चर्स देके ब्लैंक्स दी गई है, तो आपको क्या करना है पता है? दिस और दोज से आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। तो आपको सेंटेंस यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि आपको दिस यूज़ करना है या फिर दोज यूज़ करना है? तो इस तरह से आपको अगर सेंटेंस के दूर पिक्चर दिया गया हो तो आपको यूज़ करना है दोज, और सेंटेंस के एकदम नज़दीक आपको इमेजेस पिक्चर्स दिए गए हैं तो आपको यूज़ करना है दिस। ठीक है, ये आपको सिर्फ एग्ज़ाम के लिए, लेकिन अगर अगर हमसे नज़दीक, अगर हम क्लासरूम में बैठे हैं तो आपका बैग आपके पास होगा,
पेंसिल आपके कंपास बॉक्स में बहुत सारी पेंसिल्स हैं, तो आप क्या बताएंगे? दिस आर पेंसिल्स, ठीक है। फिर आपसे आप क्लास में बैठे हैं तो आपको ऊपर बहुत सारे फैंस दिखाई देंगे, है ना, तो क्या बताओगे? दोज आर फैंस। फिर विंडो, अगर आपको विंडोज दिखानी है तो दोज आर विंडोज। इसी तरह दूर की चीज़ों के लिए धोज और नज़दीक की चीज़ों के लिए दिस। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, लेकिन आपको पिक्चर में कैसे पता चलेगा ये अगर आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए बताए हैं कि सेंटेंस से दूर हो तो आपको यूज़ करना है धोज, और सेंटेंस से पिक्चर नज़दीक है तो आपको यूज़ करना है दिस। तो वॉट हैज़ द टीचर रिटन ऑन द बोर्ड? यहाँ पे टीचर ने पिक्चर्स ड्रॉ करके कुछ लिखा है, तो वो क्या है वो हमें बताना है। ए है, डैश आर हेड्स, तो हेड्स कितनी है? टू, और थोड़ी दूर है, इसीलिए हम यूज़ करेंगे दोज आर हेड्स। नेक्स्ट है, थ्री इरेजर्स दिए गए हैं, तो वो थोड़े नज़दीक है, थोड़े यानी कि इस सेंटेंस के नज़दीक है, तो हम सेंटेंस में क्या यूज़ करेंगे? दिस आर इरेजर्स। नेक्स्ट है, थ्री फैंस, तो फैंस सेंटेंस से दूर है, इसीलिए हम यूज़ करेंगे दोज आर फैंस। नेक्स्ट है, व्हाट हैज़ मदर कैप्ट ऑन द टेबल? मदर ने, मम्मा ने टेबल पे कुछ चीज़ें रखी है, क्या क्या है? पोटैटोज है, फ्रूट्स है और कप्स है, तो वो हमें दिस आर और दोज आर से कंप्लीट करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पोटैटो जो है वो एकदम सेंटेंस से करीब है, और फ्रूट्स जो है वो सेंटेंस से एकदम दूर है, कप नज़दीक है, तो आप क्या यूज़ करेंगे? पर पोटैटो नज़दीक है तो यूज़ करेंगे दिस आर पोटैटोज, फ्रूट्स दूर है तो यूज़ करेंगे दोज आर फ्रूट्स। कप्स तो एकदम नज़दीक है, इसीलिए यूज़ करेंगे दिस आर कप्स, है ना। तो ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में फिल करना है, और नेक्स्ट पेज पे 85 पेज नंबर पे आपको एक्सरसाइज दी गई है, वो आपको सिर्फ आपको आंसर मम्मा या पापा के साथ आपको डिस्कस करना है, और ये एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपका ये होमवर्क नहीं है, आपको सिर्फ ये डिस्कस करना है कि यहाँ पे आंसर कौन सा हो सकता है, दिस आर से हो सकता है या दोज आर से हो सकता है, ठीक है। फिर हम ये एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।